तो जैसे कि आप लोगों ने प्रीव्यू में वीडियो देखा, इस टाइप की HDR वीडियो एडिटिंग सिर्फ एक क्लिक में हम लोग कैसे एडिट कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। उससे पहले आपको एक कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है एंड ये वर्जन आप लोगों को दोनों में मिल जाएगा, या फिर एंड्रॉयड यूज़र हो या फिर आईफोन यूज़र हो तो ईजिली आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। उससे पहले आप लोगों को एक VPN को कनेक्ट कर लेना है, तो VPN मैं मोस्टली सुपर VPN यूज़ करता हूँ, तो इसको आप लोग यूज़ करके चला सकते हो। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्टार्ट ट्यूटोरियल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आपको कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और नीचे आप लोगों को इफेक्ट का सेक्शन मिलेगा, फिर आपको वीडियो इफेक्ट के अंदर चले जाना है और यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा लोडिंग लेने के बाद एक लेंस का ऑप्शन मिलेगा, मैं एरो की हेल्प से दिखा दूंगा, तो जस्ट इसके ऊपर टैप कर देना है। टैप करने के बाद फर्स्ट पे ही आप लोगों को स्मार्ट शार्पनर नाम का एक फिल्टर मिल जाएगा, जस्ट आप लोगों ने इसको अप्लाई कर देना है और इसको अप्लाई करते ही आप लोगों का जो HDR है वो कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इसकी जो सेटिंग है वो किस तरीके से रखना है जिससे आप लोग परफेक्ट तरीके से कर सकते हो, तो यहाँ पर आप लोगों को एक एडजस्ट का सेक्शन मिल जाएगा, जस्ट यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट पे शार्पनिंग का ऑप्शन मिलेगा, तो जैसे ही आप लोग इसको इंक्रीज़ करोगे तो इससे क्लियरिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, तो मोस्टली आप लोग उतना ही रहने देना जितना था। उसके बाद रेंज का एक ऑप्शन मिलेगा, तो जैसे ही आप लोग इसको माइनस करोगे तो आपका जो फेस है वो थोड़ा सा वाइट होने लग जाएगा, आई मीन हाईलाइट पार्ट जो होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा, तो जस्ट हम लोग इसको भी इंक्रीज़ करेंगे, तो इसको मैं रखता हूँ 70, मेरे हिसाब से काफ़ी बेस्ट है। उसके बाद आप लोगों को फ़िल्टर के ऊपर आ जाना है, अगर फ़िल्टर अप्लाई करना है तो दी बेस्ट, नहीं तो कोई झंझट नहीं है, तो मैं रखूँगा क्योंकि हमारे कलर टोन के हिसाब से ये परफेक्ट मैच कर रहा है। एंड यहाँ पे आप लोगों को फेस वगैरह अगर स्मूथ रखना है तो ब्लरिंग को इनक्रीज़ कर देना, अगर फेस वगैरह स्मूथ नहीं रखना है तो इसको आप लोग माइनस कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैं इसको इंक्रीज़ करूँगा तो अभी आप लोग देख सकते हो फेस हमारा काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो चुका है, और माइनस करेंगे तो हमारा फेस पहले जैसा हो गया है, तो इसको मैं रखूँगा यहाँ पे 71% एंड यहाँ से कर देंगे हम लोग राइट के ऊपर टैप, तो इसका जो रेशियो है इसको आप लोगों ने स्टार्टिंग टू एंड कर देना है। ओके, लास्ट में आप लोगों को एंड स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा, इसको डिलीट कर देना है। ओके डन गाइस, हमारा जो वीडियो एडिटिंग का प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है और अभी आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छा इफेक्ट आ चुका है, तो बिफोर और आफ्टर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो सबसे पहले मैं इसको हटा के दिखाता हूँ। ओके, अभी आप लोग देख सकते हो हमारे जो नॉर्मल वीडियो वो इस तरीके से थी, और इफेक्ट लगा के देखते हैं, अभी आप लोग देखो काफ़ी अच्छे तरीके से हमारा जो HDR इफेक्ट है वो आ चुका है। इसको सेव करने के लिए आप लोग इसके ऊपर टैप कर दो एंड वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना।